नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ पूजा। 24 घंटे के अंदर सिंगरौली जिले के लंगाडोल पुलिस ने की अंधी हत्या का बड़ा खुलासा। खुलासे में लंगाडोल थाना प्रभारी उदय करिहार ने बताया कि दोस्त के प्रेमिका से मिलाने गया दोस्त को मिली मौत की सजा, जिसमें आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी लंगाडोल उप निरीक्षक उदय करिहार को 24 घंटे के अंदर अंधी हत्या का खुलासा करने में बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि बीते दिनों ग्राम भैंसाबुड़ा बांध में लखपति सिंह पिता श्री चंद्र सिंह उम्र 17 वर्ष निवासी दिघवा का शव मिला था। शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करना पाया गया। पुलिस द्वारा मृतक के दोस्त महिपाल सिंह निवासी दिघवा से पूछताछ की गई तो पता चला कि महिपाल सिंह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए भैंसा बूढ़ा अपने दोस्त को साथ लेकर गया था, लेकिन इसी खबर लड़की के पिता सूरज भान को चल गई थी कि महिपाल सिंह मेरी लड़की से मिलने आ रहा है, जिसे लेकर सूरज भान अपने अन्य भाइयों जैसे ब्रजभान सिंह एवं दल प्रताप सिंह को बुला लिया। यह तीनों व्यक्ति लाठी डंडे से लैस होकर घात लगाकर बैठ गए। जैसे ही महिपाल सिंह अपने दोस्त के साथ पहुंचा, लड़की के परिजनों ने हमला कर दिया। पहले तो लड़की के परिजनों द्वारा महिपाल सिंह पर लाठी डंडे से वार किया। जब वह बेहोश हो गया तो उसे मृत समझकर छोड़ दिया और लखपति सिंह की ओर दौड़ पड़े। लखपति सिंह को पकड़कर पहले तो मारपीट की, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। सबूत छिपाने के लिए लाश को तालाब में ले जाकर फेंक दिया, जिसे लंगाडोल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सर, आपने अंधी हत्या का 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है, क्या था पूरा मामला? दिनांक 20 तारीख को सुबह सूचना प्राप्त हुआ कि भैंसाबूढ़ा बांध में, भैंसाबूढ़ा गांव में एक बांध है छोटा सा, वहाँ किसी व्यक्ति का लाश दिख रहा है। सूचना पाकर तत्काल मैं रवाना होकर स्टाफ को लेकर बॉडी को अपने कब्जे में लेकर निरीक्षण किया गया तो पाया कि मृतक लखपति सिंह पिता श्रीचंद सिंह निवासी डोंगरी के रहने वाला है, जो दिनांक 17 तारीख दिन मंगलवार के रात करीब 9 बजे के लगभग अपने साथी महिपाल सिंह के साथ घर से निकला था, लेकिन घर वापस नहीं गया। परिजनों के द्वारा ढूंढ रहे थे और आज उसका लाश मिला है। सूचना उसके पिता की सूचना पर हम मर्ग कायम कर जांच में लिए थे। बाद मृतक के शव का PHC लंगाडोल से PM करवाया गया था, तो डॉक्टर साहब के द्वारा PM रिपोर्ट में बताया गया कि उसके मृतक के गर्दन दबाने, गला घोटने और उसके ट्रकिया फ्रैक्चर होना बताया, उसी से उसकी मृत्यु हुआ है। बाद विवेचना क्रम में मृतक के साथी महिपाल सिंह से पूछताछ किए तो बताया कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भैंसाबूढ़ा मिलने के लिए गया था और अपने साथी को साथ में ले गया था मृतक को, और यह बात जो लड़की के पिता सूरज भान सिंह आरोपी हैं, जो आरोपी को पता चल गया था कि मेरी लड़की से डिगवा का महिपाल सिंह मिलने आने वाला है और उसी को मारने के चक्कर में लड़की के पिता सूरज भान सिंह और उसका भाई दल प्रताप सिंह, ब्रजभान सिंह, तीनों उसको घेर कर दौड़ाए तो उनको पता चला कि दो लड़के हैं, तो महिपाल सिंह भागा और नाले में गिर गया था, जिसके सिर पे 2-3 लाठी मारे थे और वो बेहोश हो गया था, सिर फट गया है उसका। उसका भी अभी स्थिति काफ़ी नाजुक है और भर्ती भी अस्पताल में भर्ती है वह, और दूसरा लड़का बांध के तरफ भागा था, दक्षिण तरफ भागा था मृतक लखपति सिंह, जिसको दौड़ा कर पकड़े और उसके साथ ही मारपीट के उसका भी गला दबा दिए। गला दबाने के बाद काफ़ी समय तक गला दबाया था, दल प्रताप दबाया था उसके सीने में चढ़ के, और पैर को सूरज भान सिंह पकड़ लिया था, तीनों मिलकर हत्या कर दिए गला दबाकर। हत्या करने के बाद उसके लाश को ले जाकर बांध में फेंक दिए थे और महिपाल सिंह को जब वो बेहोश हो गया तो उनको लगा कि मर गया है और छोड़ के वो लोग चले गए थे। सर, हत्या करने की मुख्य वजह क्या थी और कितने आरोपी पकड़े गए और कौन कौन शामिल थे हत्या में? हत्या का मुख्य वजह आरोपी की जो लड़की है, एक अभी नाबालिग है, वो भी 16-17 साल की है, उसी के साथ ये जो पीड़ित है, जो दूसरा लड़का जो घायल हुआ है महिपाल सिंह, उसी का संबंध है, दोनों की दोस्ती हुई थी नवरात्रि में। महिपाल सिंह अपना मोबाइल भी लड़की को दिया था, इसी से दोनों बात कर रहे थे,
और उस दिन लड़की फ़ोन करके लड़के को बुलाई भी थी और यह बात लड़की के पिता सुन लिया था कि लड़का मैं आने वाला है, और कई बार लड़के को पकड़ भी लिया था, समझा के छोड़ भी दिया था, लड़का का एक बार साइकिल भी उठा के ले गया था, आरोपी के घर में ही मिला है, और उसके लड़की के साथ मिलने के लिए जाता था, इसी बात को लेके वो हत्या कर दिया है। अभी के लिए बस इतना ही, लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।